हाय गाइस, आज हम लोग एक बिल्ट इन हुक पढ़ेंगे जिसका यूज़ करके हम लोग फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट बनाना सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं डिक्लेयरिंग स्टेट्स टॉपिक से, यानी कि किस तरीके से आप फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट डिक्लेयर करेंगे। इसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग एक हुक जो कि बिल्ट इन हुक है, जो हमें रिएक्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और इस हुक का नाम है यूज़ स्टेट। हुक क्या होता है? हुक बेसिकली फंक्शन होते हैं। सो यूज स्टेट इज़ अ हुक दैट अलाउज यू ऐड रिएक्ट स्टेट टू फंक्शन कॉम्पोनेंट। यानी कि यूज स्टेट एक हुक है जो कि आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप अपने फंक्शन कॉम्पोनेंट में स्टेट बना सकते हैं। वी कॉल इट इनसाइड अ फंक्शन कॉम्पोनेंट टू ऐड सम लोकल स्टेट टू इट। सो यूज़ स्टेट फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं फंक्शन कॉम्पोनेंट के अंदर और लोकल स्टेट बना सकते हैं। यूज़ स्टेट रिटर्न्स अ पेयर जिसमें पहला आइटम होता है करंट स्टेट वैल्यू और दूसरा आइटम होता है फंक्शन दैट लेट्स यू अपडेट। यानी कि जो करंट स्टेट होता है उसके वैल्यू को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप सेकेंड आइटम जो कि एक फंक्शन है उसका यूज़ कर सकते हैं। React will preserve this state between re-renders. You can call this function from an event handler or somewhere else. यानी कि event handler में भी आप इसको call कर सकते हैं। Example देखते हैं कि state use करना है, यानी कि use state हमें अगर use करना है hook, यानी कि अगर आपको अपने function component में state लिखना है, state बनाना है, use करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको करना है कि यूज़ स्टेट फंक्शन को इम्पोर्ट कर लेना, यानी कि एक रिएक्ट का फाइल मैंने बनाया, जेएस का फाइल मैंने बनाया जो कि एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होगा, उसमें मुझे स्टेट यूज़ करना है, तो सबसे पहले मैं यूज़ स्टेट को इम्पोर्ट कर लूँगा। सो इस स्टेटमेंट के थ्रू, यानी कि इम्पोर्ट रिएक्ट तो इम्पोर्ट करना ही है, तो रिएक्ट को इम्पोर्ट हम लोगों ने किया, कॉमा देकर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं आपको यूज़ स्टेट, स्टेट का एस कैपिटल लिखना है, और इसे हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं कहाँ से? रिएक्ट मॉड्यूल से। सो इम्पोर्टिंग यूज स्टेट हुक फ्रॉम रिएक्ट, देन आप फंक्शन कंपोनेंट के अंदर यूज स्टेट हुक को कॉल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने कॉल कर लिया, हमारा एक पूरा फंक्शन कंपोनेंट होगा जिसके अंदर हम लोग यूज स्टेट यूज़ करेंगे और इस तरीके से उसको कॉल करेंगे। यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस के अंदर में, डबल कॉट के अंदर में राहुल लिखा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी राहुल लिखें या फिर आप स्ट्रिंग ही लिखें, आप इसके अंदर सिंपल सा न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि इंटीजर लिख सकते हैं, आप एरे भी लिख सकते हैं, आप एम्प्टी स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं तो वह भी लिख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट का एरे बना सकते हैं, जो मर्जी आप वह यहाँ लिख सकते हैं, वही आपका स्टेट वैल्यू बनेगा, इनिशियल स्टेट वैल्यू बनेगा। एक बात कि ये जो हमारा यूज स्टेट हुक है ये रिटर्न करता है दो आइटम्स, पहला आइटम जो कि है करंट स्टेट वैल्यू और दूसरा आइटम जो कि है फंक्शन, यानी कि ये एक एरे रिटर्न कर रहा है। तो आप चाहें तो उसको इस तरीके से किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं जो कि बेसिकली एक एरे होगा। सो यहाँ पर मैंने लिखा है यूज स्टेट राहुल, जो कि हमारा करंट स्टेट वैल्यू है। राहुल हमारा क्या है? करंट स्टेट वैल्यू है। और ये जो हुक होता है ये हुक रिटर्न करता है दो आइटम्स, पहला आइटम स्टेट वैल्यू और दूसरा आइटम फंक्शन। तो इन दोनों को स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिखा हुआ यहाँ, नेम स्टेट वेरिएबल। एक्चुअली में ये एरे है बिकॉज ये दो आइटम्स को होल्ड कर रहा है। सो इस चीज़ को आप कह सकते हैं डिक्लेयरिंग स्टेट वेरिएबल। अब ये नेम स्टेट वेरिएबल हमारा एक एरे है, आप चाहें तो इसको डी स्ट्रक्चर करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोगों ने डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में कि एरे डी स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, होपफुली आपको याद होगा। सो नेम स्टेट वेरिएबल जो कि एक एरे है उसे आप डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं इस तरीके से। इससे होगा ये कि यूज स्टेट का जो पहला आइटम रिटर्न होगा जो कि करंट स्टेट वैल्यू होता है वह असाइन हो जाएगा नेम में, और यूज स्टेट का दूसरा आइटम जो कि एक फंक्शन है वह असाइन हो जाएगा सेट नेम में। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं और डिटेल में थोड़ी सी बातें करते हैं। सो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा कॉन्स्ट नेम
कॉमा देकर सेट नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में और इक्वल साइन देकर मैंने लिखा यूज स्टेट राहुल। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि यूज स्टेट हमारा एक हुक है जो कि स्टेट बनाने के काम आ रहा है और स्टेट का हमारा इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ दे दिया है राहुल। और यूज स्टेट जस्ट बिकॉज रिटर्न करता है एक एरे, तो उसको हम लोगों ने डिस्ट्रक्चर किया है और हम लोगों ने लिखा है पहले आइटम के लिए नेम और दूसरे आइटम के लिए सेट नेम। इसको अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। व्हेन वी डिक्लेयर स्टेट वेरिएबल विथ यूज स्टेट इट रिटर्न्स अ पेयर एन एरे विथ टू आइटम्स, सो बाय राइटिंग स्क्वायर ब्रैकेट वी आर डूइंग एरे डिस्ट्रक्चरिंग हियर। सो यहाँ पर हम लोग एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, पहला आइटम नेम में, दूसरा आइटम सेट नेम में। क्लियर कॉन्सेप्ट। और डिटेल में बात करते हैं, अगर एरे डिस्ट्रक्चरिंग ना करें तो हम लोग इस तरीके से सिंपली इसको, यानी कि ये जो रिटर्न करता है एरे, उसको एक एरे में एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे जो बेसिकली हमारा एक एरे बनेगा। कॉन्स्ट लिखा मैंने, देन नेम स्टेट वेरिएबल इक्वल यूज स्टेट राहुल लिखा। तो यूज स्टेट राहुल हमारा क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है विथ टू आइटम्स जो कि इसमें स्टोर हो गया नेम स्टेट वेरिएबल में। पहला आइटम क्या है, पहला आइटम इसमें स्टेट का करंट वैल्यू होता है, यानी कि करंट स्टेट वैल्यू होता है। अगर आपको करंट स्टेट वैल्यू एक्सेस करना है तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, नेम स्टेट वेरिएबल और जीरो इंडेक्स, बिकॉज ये एरे है तो जीरो इंडेक्स में पहला वैल्यू जो कि करंट स्टेट वैल्यू हो, तो आप इस तरीके से उसको लिख कर एक्सेस कर सकते हैं। अब बार बार इस तरीके से लिखने के बजाय, मतलब करंट स्टेट वैल्यू आपको मल्टीपल जगहों पर चाहिए तो आपको मल्टीपल जगहों पर नेम स्टेट वेरिएबल इंडेक्स जीरो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सो इस चीज़ को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको किसी एक इस तरीके से वेरिएबल में असाइन कर लिया, तो मैंने इसको नेम में असाइन कर लिया। अब जब भी मुझे करंट स्टेट वैल्यू का आवश्यकता पड़ेगी तो मैं सिंपली नेम लिख दूंगा, तो मुझे वहाँ वो एक्सेस होकर मिल जाएगा बिकॉज मैंने उसके फर्स्ट आइटम को यहाँ पर पॉइंट किया हुआ है, असाइन किया हुआ है। सो द फर्स्ट आइटम इज़ द करंट वैल्यू, ये जो हमारा फर्स्ट आइटम है इस एरे का फर्स्ट आइटम क्या है, करंट वैल्यू है जो कि हमने नेम में असाइन कर दिया है। इसी तरीके से इस एरे में एक सेकंड आइटम भी है जो कि वन इंडेक्स पर होगा, तो इसको भी अगर आपको मल्टीपल टाइम यूज़ करना हो तो बार बार आपको ये लिखना पड़ेगा। सो बार बार इसको लिखने के बजाय आप इसको एक वेरिएबल में असाइन कर लीजिए सेट नेम, जस्ट बिकॉज ये एक फंक्शन है। सेकेंड आइटम क्या होता है, एक फंक्शन होता है, इसलिए हम लोगों ने इसे नेमिंग कन्वेंशन को देखते हुए इस तरीके से लिखा हुआ है। द सेकेंड आइटम इज़ अ फंक्शन दैट लेट्स अस अपडेट इट। सो इस तरीके से भी आप काम चला सकते हैं, आप इस तरीके से यूज स्टेट लिखिए, देन इस तरीके से एक वेरिएबल में लिखिए, देन आप या तो जीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स करके इसको असाइन कीजिए, या फिर इनको किसी एक वेरिएबल में इस तरीके से डालकर इनको एक्सेस कीजिए, या फिर इतना प्रोसेस ना करने के बजाय आप सिंपली डीस्ट्रक्चर कर लीजिए और यहीं पर उसको डीस्ट्रक्चर करके एक नेम और सेट नेम बना लीजिए, जो कि आपने अल्टीमेटली यहाँ किया ही है, बट ये लेंथी प्रोसेस के साथ आपने किया स्टेप बाय स्टेप। इसको आप एक लाइन में इस तरीके से भी लिख सकते थे, जो कि हम लोग करेंगे ज़्यादातर। सो गाइज, ये है कि किस तरीके से आप डिक्लेयर करते हैं स्टेट को इन फंक्शन कॉम्पोनेंट यूजिंग यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट को आप मल्टीपल टाइम, यानी कि मान लीजिए कि आपको बहुत सारे स्टेट चाहिए, एक तो स्टेट आप एक स्टेट बनाया आपने नेम जिसमें आपने लिख दिया राहुल, अब दूसरा चाहिए हो मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए रोल चाहिए, तो आप एक दूसरा यूज स्टेट भी लिख सकते हैं। देन मतलब कहने का सिंपली इतना मतलब है मेरा कि यू कैन कॉल यूज स्टेट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, यानी कि एक फंक्शन कंपोनेंट में आप मल्टीपल टाइम्स यूज स्टेट को कॉल कर सकते हैं और जितनी मर्जी उतने स्टेट बना सकते हैं सेम फंक्शन कंपोनेंट में। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मेरा एक फंक्शन कंपोनेंट है, मैंने फंक्शन लिखा और ऐप मेरे कंपोनेंट का नाम है। यहाँ आप एरो फंक्शन भी बना सकते थे बट मैंने जनरल फंक्शन बनाया। इसके अंदर मुझे मान लीजिए कि एक स्टेट चाहिए, तो मैंने लिख दिया इस तरीके से कॉन्स्ट नेम स्टेट वेरिएबल इक्वल यूज स्टेट राहुल। अब इस ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक एरे जिसमें दो आइटम्स होंगे, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसका जो पहला आइटम होगा जो रिटर्न होगा वो उसमें होगा करंट स्टेट वैल्यू जो कि राहुल है इस केस में, और दूसरा जो आइटम रिटर्न होगा वह होगा फंक्शन जिसका यूज़ करके आप इस स्टेट के वैल्यू को जो कि अभी फिलहाल राहुल है उसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपडेट कर सकते हैं।
आप चाहें तो इसको डीस्ट्रक्चर करके इस तरीके से लिख सकते हैं, नेम सेट नेम इक्वल यूज स्टेट राहुल। आप चाहें तो अगर मान लीजिए कि आपको राहुल नहीं चाहिए, मतलब एक स्ट्रिंग नहीं चाहिए स्टेट में, स्टेट वैल्यू में आपको कोई इंटीजर चाहिए, तो इस तरीके से यूज स्टेट और आप इंटीजर वैल्यू यानी कि 101 लिख सकते हैं। या फिर आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, एरे चाहिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और आप देखेंगे कि एक फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल टाइम यूज स्टेट को कॉल किया, तो ये भी पॉसिबल है। और हाँ, यूज स्टेट को इम्पोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आगे बात करें एक्सेसिंग स्टेट, यानी कि स्टेट बना तो लिया हम लोगों ने, डिक्लेयर तो कर लिया, लेकिन स्टेट को एक्सेस कैसे करेंगे। सो इन अ फंक्शन वी कैन यूज स्टेट वेरिएबल डायरेक्टली। फंक्शन कंपोनेंट में आप डायरेक्टली स्टेट को यूज कर सकते हैं। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्या था, आपको दिस डॉट स्टेट देन उसका नाम लिखना पड़ता था, ऐसा होता था क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। लेकिन यहाँ फंक्शन कंपोनेंट में आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। लाइक मेरा एक नेम हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले लिखा था कि हम लोगों ने एक नेम बनाया था, यूज सेट राहुल लिखा था, जो कि इसका करंट वैल्यू नेम में जा रहा था डीस्ट्रक्चर करने के बाद नेम में, तो उसी को मैंने डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर लिया, नेम लिख दिया मैंने। तो योर नेम इज़ नेम में जो भी होगा, यानी कि राहुल, तो योर नेम इज़ राहुल आपको दिखाई देगा। मान लीजिए कि इनिशियल वैल्यू जो आपने दिया राहुल, इसको अगर आपको चेंज करना, तो कैसे चेंज करेंगे, यानी कि कैसे आप अपडेट करेंगे अपने स्टेट को जो कि आपने फंक्शन कंपोनेंट में बनाया है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आप सेट स्टेट का यूज़ करते थे, लेकिन फंक्शन कंपोनेंट में आपको एक फंक्शन मिलता है जो कि यूज़ स्टेट रिटर्न करता है सेकंड आइटम के तौर पर। उसी फंक्शन का यूज़ करके आप अपने स्टेट के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने सेट नेम दिया था, अगर डी स्ट्रक्चरिंग जो किया था वह स्टेटमेंट अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने देखा है, हमने लिखा था कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम कॉमा सेट नेम इक्वल यूज स्टेट पैरेंथेसिस के अंदर डबल कॉट के अंदर राहुल। तो राहुल हमारा चला गया था नेम में, और यूज स्टेट जो एक फंक्शन रिटर्न करता है सेकंड आइटम के तौर पर वह चला गया था सेट नेम में। तो उसी सेकंड आइटम का यानी कि उसी फंक्शन का जो कि इसका नाम हम लोगों ने सेट नेम रखा था, उसी फंक्शन का यूज़ करके आप स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ अपडेट किया सेट नेम बिटवीन पैरेंथेसिस गीकी सोस। सो पहले जो राहुल था अब वह अपडेट होकर हो गया है गीकी सोस। सो गाइज, ये है यूज़ स्टेट को कैसे यूज़ करना है, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे एक्सेस करना है और कैसे अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें चलिए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। उम्मीद करता हूँ थ्योरेटिकल जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से हुई होगी। इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल आसानी से कर पाएंगे, इसी मुझे उम्मीद है। सभी चीज़ों को जो भी हमने थ्योरी में देखा उन सभी का प्रैक्टिकल करेंगे वन बाय वन। सो तीन फाइल्स पर मैं काम कर रहा हूँ, पहला है मेरा app.js, दूसरा है index.js और तीसरा है मेरा index.html, जिसमें सिर्फ एक div बना हुआ है जिसकी ID है root। app.js में आते हैं और यहाँ एक फंक्शन कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट रिएक्ट। तो मैंने रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया, देन हम लोग एक फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे। तो मैंने फंक्शन लिखा, आप एरो फंक्शन के थ्रू भी फंक्शन कंपोनेंट बना सकते हैं हम लोग जानते हैं, लेकिन मैं सिंपली जनरल फंक्शन जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे मैं लिख रहा हूँ। ये हमारा फंक्शन बन गया, यानी कि फंक्शन कंपोनेंट बन गया, जिसमें एक रिटर्न, ये JSX रिटर्न करेगा यानी कि एलिमेंट रिटर्न करेगा रिएक्ट एलिमेंट। इसमें मैं लिख देता हूँ रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, और हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं यूज़ स्टेट हुक का इसका। सो इसको अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इस चीज़ को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कॉमा देता हूँ, देन मुझे लिखना पड़ेगा यूज़ स्टेट। अब मैं इसका यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं सिंपली एक स्टेट बना रहा हूँ। इस फंक्शन कंपोनेंट में अगर आपको स्टेट बनाना है तो आप यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट हुक का, और इसके अंदर आप इस स्टेट का इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं, जो कि मैं यहाँ दे रहा हूँ राहुल। अब ये जो हुक है ये दो चीज़ें रिटर्न करता है, पहला करंट वैल्यू जो कि राहुल है, और दूसरा एक फंक्शन जिसके थ्रू आप इस वैल्यू को यानी कि इस स्टेट के वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। सो
ये जो चीज़ें रिटर्न करता है उसको होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। सो कॉन्स्ट लिखा, तो मैंने लिख दिया नेम स्टेट वेरिएबल, जो कि एक्चुअली में एक एरे है, बिकॉज ये दो आइटम्स रिटर्न करता है और दोनों ही आइटम इसके पास है। पहला आइटम 0 इंडेक्स पे और दूसरा आइटम 1 इंडेक्स पे। 0 इंडेक्स पर जो भी होगा वह होगा इस स्टेट का करेंट वैल्यू जो कि है राहुल, और 1 इंडेक्स पर जो होगा वह होगा इसके द्वारा रिटर्न किया गया एक फंक्शन जिसका यूज़ करके आप इसके वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। सो पहले मैं आपको इसका वैल्यू एक्सेस करके दिखाता हूँ, मैं बताऊँगा कि आप किस तरीके से इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपडेट कर पाएंगे। सो मैं यहाँ एक H1 बना रहा हूँ, बिटवीन पैरेंथेसिस आपको लिखना है नेम स्टेट वेरिएबल, और ये 0 इंडेक्स पर है। 0 इंडेक्स पर क्या है, 0 इंडेक्स पर करंट स्टेट वैल्यू है जो कि राहुल। तो आपको यहाँ सेव करेंगे इसको, और हमें इसको यहाँ लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब एंटर करने का कोड। तो और हमें यहाँ इम्पोर्ट ऐप मॉड्यूल में से मुझे ऐप जो कि हमारा फंक्शन कॉम्पोनेंट है उसे इम्पोर्ट करने का सकता है। तो मैंने इसको यहाँ एक्सपोर्ट नहीं किया, मैं इसको यहाँ एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। जिस किसी को भी आप इम्पोर्ट करते हैं उसको एक्सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, याद रहे। सेव कर लिया, अभी हम लोग इसको यहाँ पर रेंडर करने का कोड लिखेंगे। रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, किसको रेंडर करना है, ऐप कंपोनेंट को। कहाँ करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जिसकी भी रूट होगी। सेव कर दें इसको, सभी को सेव कर दिया मैंने। सभी को सेव करने के बाद आप यहाँ देखेंगे वेब पेज में तो आपको राहुल दिखाई देगा, यानी कि 0 इंडेक्स पर, यानी कि इसके 0 इंडेक्स पर देखेंगे आप। मैंने इसको डिस्प्ले किया, मतलब लिखा मैंने, रेंडर होने के लिए दिया। तो 0 इंडेक्स पर क्या है, राहुल, यानी कि करंट स्टेट वैल्यू है जो कि इसके इस हुक से हमें रिटर्न होकर मिलता है। आप यहाँ 1 करेंगे तो आपको फंक्शन दिखाई नहीं देगा, बिकॉज वो एक फंक्शन है, इसलिए 1 करके देखने का सकता नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। देखिए, एक जो गलती है वह अक्सर किया जाता है वो कुछ इस तरीके से कि चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेंज करने के लिए हम लोग इसके द्वारा जो फंक्शन रिटर्न होता है जो कि सेकंड आइटम है यानी कि 1 इंडेक्स पर होगा उसका यूज़ करते हैं। सो लोग अक्सर क्या करते हैं, लोग अक्सर उसको इस तरीके से लिखते हैं नेम स्टेट 1 इंडेक्स पर और कोई भी नया वैल्यू दे दीजिए। मान लीजिए कि मैंने दे दिया गिगासोर्स, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, यानी कि आप इसको इस तरीके से फंक्शन कंपोनेंट के अंदर इस तरीके से डायरेक्ट इसको अपडेट करने का कोड नहीं लिख सकते। ये इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा और ये रीड एंटर होता रहेगा। देखिए मैं इसको दिखाता हूँ, देखिए आपको एक एरर मिलेगा, ये कहेगा टू मैनी रीड एंडर्स, रिएक्ट लिमिट्स द नंबर ऑफ रेंडर्स टू प्रिवेंट एन इनफाइनाइट लूप। सो यहाँ पर आप इसको नहीं कर सकते। अगर आपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम लोग दिस डॉट स्टेट किसी लैप साइकिल मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी इवेंट के अंदर हम लोग लिखते थे, इवेंट हैंडलर में लिखते थे। तो यहाँ भी आपको वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। सो यहाँ इसको ना लिख कर आप किसी इवेंट में लिख सकते हैं। तो मैंने इसको कट कर लिया और मैं एक बटन बना रहा हूँ, एक बटन बनाते हैं बटन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चेंज, और यहाँ इसका टाइप कर देते हैं बटन, और इसमें एक इवेंट लगाएंगे क्लिक ऑन क्लिक, और इसमें हम लोग लिखेंगे हैंडल क्लिक, ये हमारे इवेंट हैंडलर का नाम है जो कि अभी हम लोग यहाँ बनाएंगे। सो कॉन्स्ट लिखा, देन हैंडल क्लिक इक्वल, एरो फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ, देन यहाँ पर हमें इसको लिख देना। तो मैंने पेस्ट कर दिया जो कट किया था, यानी कि इस यूज स्टेट के द्वारा जो सेकंड आइटम रिटर्न रहा जो कि इसके 1 इंडेक्स पर है उसका यूज़ किया मैंने, देन मैंने उसका यूज़ करके इसका जो इनिशियल वैल्यू जो कि राहुल है वह चेंज करके कर दिया मैंने गिकी सोस।
जब भी ये हैंडलर चलेगा ये फंक्शन रन होगा, और ये क्या करेगा, ये इसकी स्टेट की इनिशियल वैल्यू जो कि राहुल, इसको चेंज करके कर देगा गीकी सोस, यानी कि अपडेट कर देगा गीकी सोस में ये। और ये सब कब होगा, जब ये हैंडलर चलेगा, और ये हैंडलर कब चलेगा, जब हमारा इस बटन पर क्लिक होगा। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको पेज में चलते हैं, आप चेंज में क्लिक करेंगे तो ये गीकी सोस हो जाएगा। एलिमेंट्स में दिखा था इंस्पेक्ट करके, इसको रिफ्रेश करते हैं, वापस चलाते हैं, देखिए यहाँ भी राहुल है, जैसे चेंज में क्लिक करेंगे ये गीकी सोस हो जाएगा। ओके, सो ये है आपका यूज़ स्टेट का यूज़ करके किस तरीके से आप एक फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट बना सकते हैं और किस तरीके से उसको अपडेट कर सकते हैं। ये कोड बढ़िया है, काम कर रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर मल्टीपल टाइम्स अगर मुझे इसको सेट करने की आवश्यकता पड़ती है किसी वजह से, या फिर मुझको इस स्टेट को मल्टीपल टाइम में लिखने की आवश्यकता पड़ती है, एक्सेस करने की आवश्यकता पड़ती है, तो मुझे इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। सो इतना बड़ा कोड ना लिखना पड़े तो आप चाहें तो इसको आप एक वेरिएबल में असाइन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कॉन्स्ट नेम इक्वल नेम स्टेट वेरिएबल, और इसमें असाइन कर दो जो भी जीरो इंडेक्स पर है। तो जीरो इंडेक्स पर करंट वैल्यू यानी कि राहुल है, तो ये नेम में असाइन हो जाएगा। यानी कि अगर आपको यहाँ नेम चाहिए तो सिंपली आप इस तरीके से नेम स्टेट वेरिएबल जीरो इंडेक्स लिखने के बजाय यहाँ पर सिर्फ नेम लिख दीजिए। सेव करें इसको और वे पेज में देखें तो राहुल चेंज में क्लिक करने पर ये सोच सही तरीके से काम कर रहा है। सिमिलरली इसका जो सेकंड आइटम है जो कि वन इंडेक्स पर है, उसके लिए भी आप एक इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं। यहाँ वन इंडेक्स कर दीजिए और इसका नाम चेंज कर दीजिए सेट नेम, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये इस तरीके से इसीलिए लिखा जाता है सेकेंड आइटम के लिए, बिकॉज ये एक फंक्शन है और फंक्शन का नेमिंग कन्वेंशन केमल केस है। ओके, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो अब जहाँ भी नेम स्टेट वेरिएबल इंडेक्स वन लिखना हो वहाँ आप सिंपली लिख सकते हैं सेट नेम। एक यहीं था और कहीं तो है नहीं, बस यहीं है। सेव करें और इसको वेब पेज में देखेंगे तो ये भी आपको बिल्कुल सही तरीके से काम करके दिखाई देगा। मतलब दोनों ही तरीके सही हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने के बजाय, यानी कि इस तरीके से आप अलग अलग असाइन करने के बजाय, आप चाहें तो आप डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं इस एरे को। ये जो एरे हमारा है, यानी कि यूज़ स्टेट जो भी रिटर्न कर रहा है वह क्या है, एक एरे है। तो उस एरे को आप डी स्ट्रक्चर कर लीजिए, उस एरे को इसमें असाइन करने के बजाय आप उसको डी स्ट्रक्चर कर लीजिए। सो डी स्ट्रक्चर करने के लिए आप सिंपली करेंगे यहाँ पर ये लिखने के बजाय स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए, देन नेम पहले आइटम के लिए और दूसरे आइटम के लिए सेट नेम। देन आपको ये दो लाइन एक्स्ट्रा लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इन दोनों को आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी एज इट इज़। नेम में क्या आएगा, इसका पहला आइटम जो कि है करंट वैल्यू जो कि है राहुल, और सेट नेम में क्या आएगा, इसका दूसरा आइटम जो कि है फंक्शन जिसका यूज़ करके आप इसको अपडेट करेंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी बिकॉज नाम हम लोगों ने सेम रखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एज इट इज़ जैसा था वैसे ही है, उसी तरीके से काम कर रहा है। सो ये बेहतर अप्रोच है, ये आपको यूज़ करना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे बेहतर अप्रोच यही है कि आप डी स्ट्रक्चर कर लीजिए और इस तरीके से सिंपली यूज़ करें। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फंक्शन कंपोनेंट में आप सिर्फ एक बार ही यूज़ स्टेट को कॉल कर सकते हैं। आपको अगर ज़रूरत है और भी स्टेट बनाने के लिए, मान लीजिए कि फंक्शन कंपोनेंट है मुझे एक और स्टेट चाहिए, तो आपको जितनी भी स्टेट चाहिए उतनी बार आप यूज़ स्टेट को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और स्टेट बना रहा हूँ, मैंने लिखा कॉन्स्ट और इसको मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। उससे पहले मैं स्टेट और मैं यहाँ लिखने वाला हूँ रोल नंबर, तो 101 मैंने लिख दिया। और डिस्ट्रक्चर चूँकि ये रोल है तो मैं इसको रोल दे देता हूँ, पहला वैल्यू हो जाएगा मेरा। और इसको सेट करने के लिए सेट रोल लिख देता हूँ। गुड, तो यहाँ मैं नेम इस तरीके से लिख देता हूँ और एक बनाते हैं H2 और यहाँ लिख देते हैं रोल, और यहाँ पर सिंपली आपको लिख देना है रोल। और इसको भी सेट कर देता हूँ मैं यहाँ से, तो हम लोग इसमें लिखेंगे सेट रोल
और क्लिक होने पर हमारा ये हो जाएगा चेंज 105 में, यानी कि इनिशियली पहला जो स्टेट है हमारा जो कि नेम है उसमें इनिशियली क्या होगा राहुल, और जो रोल हमारा स्टेट है उसमें इनिशियली क्या होगा 101। लेकिन जैसे ही क्लिक होगा ये बटन वैसे ये हैंडलर चलेगा और यहाँ पर हम लोगों ने इस फंक्शन का यूज़ करके यानी कि इस यूज स्टेट से जो फंक्शन रिटर्न होगा उस फंक्शन का यूज़ करके इस स्टेट के वैल्यू को चेंज करके गिकी सोर्स कर देंगे, और इस यूज स्टेट से जो फंक्शन रिटर्न होगा सेट रोल में उसका यूज़ करके इसके वैल्यू को जो कि 101 है इसको चेंज करके 105 कर देंगे। ये सब कब होगा, जब ये हमारा हैंडलर चलेगा तब, और ये हैंडलर चलेगा जब हम लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे तब। तो इसको सेव करें, वेब पेज में चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिखाई देगा नेम राहुल रोल 101, अभी इनिशियली ये हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ डिब में देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, कंसोल में कोई भी एरर नहीं है। ठीक, जैसे चेंज में क्लिक करूँगा राहुल से ये गीकीस हो जाएगा और ये 101 से 105 हो जाएगा। चेंज में क्लिक किया गीकीस हो गया 105 हो गया और यहाँ भी आपको चेंज होकर दिखाई देता है डोम में। सो सिंपली कंक्लूजन यही है कि आप चाहें तो आप मल्टीपल टाइम यूज स्टेट को कॉल कर सकते हैं एक सेम फंक्शन कंपोनेंट में, जितनी भी मर्तबा आपको चाहिए हो उतनी बार। सो गाइज ये है यूज स्टेट हुक, इसका यूज़ करके आप फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट बनाते हैं। दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखनी है, पहली बात ये कि यूज़ स्टेट आपको यहाँ इंपोर्ट करना है अगर आपको यूज़ करना है तो। दूसरी बात ये कि आप एरे रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर आप इंडेक्स नंबर के साथ भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरी बात, जब भी आप अपडेट करें अपने स्टेट को तो उसको एक इवेंट के अंदर या फिर जो लाइफ साइकिल होते हैं उनके अंदर करेंगे। जस्ट बिकॉज ये फंक्शन कंपोनेंट तो हमारे पास यहाँ डिड माउंट विल माउंट ये सारे लाइफ साइकिल तो है नहीं, लाइफ साइकिल में तो है नहीं, तो यहाँ पर हमें एक यूज़ इफेक्ट मिलता है हुक जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। बट या तो इवेंट के अंदर कीजिए या फिर यूज़ इफेक्ट जिसके थ्रू आप लाइफ साइकिल मेथड का जो फीचर है जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में होता है उसको अचीव करते हैं इन फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में उसके अंदर कर सकते हैं। यानी कि यूज़ इफेक्ट के अंदर आप अपडेट करें या फिर इवेंट के अंदर आप अपडेट करें, डायरेक्टली आप यहाँ अपडेट नहीं कर सकते। यानी कि सेट नेम किस ओर से लिखेंगे तो काम नहीं करेगा, आपको एरर मिलेगा, वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी हम लोग सेम चीज़ करते थे, हम लोग हमेशा सेट स्टेट को कॉल करते थे किसी इवेंट में या फिर लाइफ साइकिल मेथड में, तो वही चीज़ यहाँ भी फॉलो होता है। सो उम्मीद है आपको यूज़ स्टेट हुक समझ में आया होगा और धीरे धीरे करके और आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे आई गेस यूज़ इफेक्ट जिसका यूज़ करके आप लाइफ साइकिल के जो फीचर्स होते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में उसको अचीव करेंगे। टिल देन सब लोग अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।